तो एक्सपेरिमेंटल इंडियन में आप सभी का स्वागत है। आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पर, तेल बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये हमारी पेट्रोल गाड़ी है, टाटा की टियागो, और हम लोग इसको पिलाने वाले हैं ये। अरे ये तो तेल ही है मेरे भाई, लेकिन पहले देखने वाले हैं कि अगर इसका पूरा तेल खत्म हो जाता है तो क्या होने वाला है। बिल्कुल ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो देखिए पूरी वीडियो। जनाब चलते चलते मोटा पंगा हो गया। यहाँ पर फ्यूल वाला जो वो देख सकते हैं आप लोग, क्या आ गया यहाँ पर, ये कुछ फ्यूल जैसा सा लिखा हुआ आने लग गया है। और अपनी गाड़ी चल चुकी है 45555। ये भी कितना मस्त है ना, 45555। और फ्यूल के अंदर देख सकते हैं आप लोग, कोई फ्यूल जैसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अब पता नहीं यार क्या होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। रिस्क तो है ही, बहुत ज़्यादा रिस्क है कि कहीं गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत ना आ जाए। और पता नहीं क्या होगा। जनाब जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी है। पता नहीं इसको हुआ क्या है, शायद तो इसका तेल कम होने की वजह से। मैं पांचवा गियर भी लगा रहा हूँ तो भी स्पीड इसकी 30-40 से ऊपर नहीं जा रही है, बिल्कुल धीरे हो गई है। अब ये बंद कब तक होती है ये चेक करने वाली बात है। मैं इसको ऐसे सुनसान इलाके में ले आया हूँ, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक हो गया ये। और हमारे पास में तेल तो है ही, चलो फटाफट हम लोग अंदर बैठ के फिर से निकल पड़ते हैं। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर क्या होगा जब तेल ख़त्म हो जाएगा। और आप मीटर देखना चाहो तो देख सकते हो एक बार, मीटर में जो हमारा किलोमीटर है वो चल चुके हैं हम 574। और जो फ्यूल था वो लिखा हुआ आ ही रहा है अब, तो चलो फटाफट निकलते हैं हम लोग। चलो अभी तक तो स्टार्ट हो रही है, पता नहीं कैसे क्या हुआ बंद होगी वापस। दोबारा से एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। हाँ होगी, गड्डी मार रही है पता नहीं ऐसे, बिल्कुल तेज भी नहीं हो रही है और ऐसे झटके से मार रही है ऐसे, पता नहीं क्यों ऐसे, जैसे कोई फ्यूल में कोई दिक्कत है, कोई इंजन में कोई दिक्कत है, कुछ ना ऐसा लग रहा है। मतलब बस जोर सा लगा रहा है इंजन, देखते हैं अब क्या होता है। बहुत किलोमीटर तो काफ़ी निकाल चुकी है, जब से ये फ्यूल वाला आया है ना तब से अंदाजन 20-25 किलोमीटर निकाल चुकी है। देखो अब क्या होता है। जनाब यहाँ आकर के बंद हो गया, और बंद भी कैसी जगह हुई है, टूटा फूटा रोड है और साइड में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। अगर कोई साधन आ जाता है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ पूरा बाहर निकल करके, अगर कोई व्हीकल आ जाए तो हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं यहाँ पर, अगर ये स्टार्ट ना हुई तो। अभी मैं सलब दोबारा से ले नहीं रहा हूँ, ये अपने आप बंद हो गई है, पता नहीं क्यों हुई है। अब जो मेन काम आता है वो हमारा उस तरफ, आप टैंक के पास देखिए एक बार, तेल वाला टैंक। तो जनाब यहाँ पर हालत देखिए एक बार, ये
हमारा स्टूडियोग्राफर के पैर यहाँ पर डूब गए। और ये अभी मेरे को जो है वो बहुत बुरा सिस्टम लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई जगह ही नहीं है, कोई अगर निकलना चाहे तो निकलने के लिए जगह नहीं है। आप देख सकते हैं ना इस तरफ ना उस तरफ और उस तरफ तो पानी भरा हुआ है। ये साइड में जो वो डैम है, वो जो ड्रेन है वो टूट गई थी। अब भाई साहब फटाफट मुझे जो वो यहाँ पर तेल डालना पड़ेगा, देखते हैं तेल है कि नहीं इसमें, दिखता भी है कि नहीं। भाई साहब अक्सर इस टैंक को खोलते हैं ना तो यहाँ से हवा निकलती है, स्मेल भी आती है पेट्रोल की, उसमें स्मेल तो आ रही है। अब स्मेल से चलती तो नहीं है ना गाड़ी मेरे भाई। अब बारी है इसकी, अब ये पिलानी पड़ेगी गाड़ी को। अब तो जनाब अभी इसको पिला देते हैं तेल फटाफट और फिर करते हैं आगे की कार्रवाई। यार इसमें तो तेल डालना भी मुश्किल है, तो बाहर भी गिर रहा है। अब जनाब बात ये है कि क्या ये गाड़ी फटाफट स्टार्ट हो जाएगी, और मैं तो इतनी देर से पंगे में लगा हुआ था और इसके फैन वगैरह सब चल रहे थे, ये बंद ही नहीं किए थे। ओह एक बार के लिए इसके अंदर ना फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, देखते हैं वो स्टार्ट होते हैं कि नहीं या कोई आवाज़ करते हैं कि नहीं। ध्यान से सुनना आप, बिल्कुल चुप। हाँ जो फ्यूल इंजेक्टर है वो तो इस तरह से चला था, बिल्कुल यहाँ पर जो हमारी पीछे वाली जो सीट होती है ना उसके बिल्कुल ऊपर होता है और वो चली है। अगर ऐसा कभी हो जाए आपकी गाड़ी इस तरह से बंद हो जाए तो आप उसको एक दो बार जो इसको ऑफ कीजिए, मैं आपको सीट का दोबारा से सुनाता हूँ सीट के ऊपर आकर के कि कैसा रहता है आवाज। तो मैंने देखिए बंद किया है अभी और मैं अभी ऑन करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनना आवाज अगर आए तो। ये देखो ये आवाज तो कैमरे की थी, ये सुनो 1 2 3। हाँ जो ये आवाज थी ना ये थी हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स की। अगर आपकी गाड़ी भी ऐसे बंद पड़ जाए तो फ्यूल इंजेक्टर्स को 2-3 बार आपको करना हो चाहिए ऐसा, ताकि ऑयल जो वो इंजन तक पहुंच जाए, वरना कोई गड़बड़ भी हो सकती है। अभी हम लोग जब वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्टार्ट होती है गाड़ी। स्टार्ट तो हुई एक बार के, लेकिन ऑफ हो गई वापस, और ऑफ होने के बाद मतलब लाइट भी नहीं आ रही है इसमें। फ्यूल इंजेक्टर वापस चला एक बार के लिए, स्टार्ट तो हो गई है। मैं देखता हूँ उठा करके गाड़ी उठती है कि नहीं। मेरे भाई गाड़ी तो हमारी चल पड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल वैसी ही चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, बिल्कुल अभी तक तेज चली नहीं है। शायद तो फ्यूल जो वो गया नहीं है अंदर की तरफ। और देखिए हमने लगभग 2 लीटर के लगभग तेल डाला था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो कैमरे में अभी भी वहाँ पर वो फ्यूल वाला जो आइकन है ना वही आ रहा है, जो लो था वो लो वाला आ रहा है। यहाँ पर बार बिल्कुल हिल रही है वो आ रही है, और यहाँ पर फ्यूल लिखा हुआ है वही फ्यूल लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी मेरे भाई होप शो कोई दिक्कत ना आए, मैं पेट्रोल पंप तक जाऊंगा थोड़ी देर में और फ्यूल टैंक फुल कराने वाला हूं। आप कभी भी अपनी गाड़ी के साथ पंगा मत लो, अगर तेल ख़त्म हो जाता है मेरे भाई, ख़त्म होने से 50-60 किलोमीटर का तेल बचे उससे पहले ही वापस डलवा लो, वरना फ्यूल का जो अंदर का कचरा है वो फ्यूल इंजेक्टर्स में जा सकता है, आपका इंजन चोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे भाई आपको कोइल्स वगैरह और दिक्कत तो आ ही सकती है, मुझे अब इतनी टेक्निकल तो अपने को पता नहीं है, लेकिन दिक्कत तो मेरे भाई आ चुकी है। अभी मैं जब वो मुश्किल से ही बच पाया हूँ, अभी हम लोग जब वो यहाँ से वापस निकलते हैं। और अगर हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना, ताकि ऐसे ही गजब की वीडियोस हम लोग और लेकर के आते रहें, क्योंकि वी आर नॉट मेंटल, वी आर एक्सपेरिमेंटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सपेरिमेंटल इंडियन।